ट्रैफिक सिग्नल की लाइट कैसे चेंज होती है, क्या है उसके पीछे की इंजीनियरिंग, और कहीं पर ग्रीन सिग्नल एक मिनट तो कहीं पर 30 सेकंड के लिए क्यों रहता है, ये भेदभाव क्यों? तो चलो खोल देते हैं ट्रैफिक लाइट को। ये है ट्रैफिक सिग्नल का दिमाग जो कंट्रोल करता है लाल पीले और हरे रंग की लाइट को। अब इसमें लगती है एक मोटर जो नॉर्मल बिजली की सप्लाई पर चलती है, पर ये मोटर काम क्या करती है? ये घुमाती है एक शाफ्ट को जिस पर लगी होती है बहुत सारी कैम जो सप्लाई करती है करंट लाइट्स को। अब जब तक कॉन्टैक्ट बना रहेगा लाइट जलती रहेगी, और कॉन्टैक्ट हटने पर लाइट हो जाएगी बंद और जल उठेगी दूसरी लाइट। लेकिन अगर एक साइड का ट्रैफिक ज्यादा हो और दूसरी साइड का कम तो क्या होगा? इसके लिए लगाया जाता है टाइमिंग स्विच को जो ट्रैफिक के हिसाब से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। बस टाइमिंग सेट करो और धड़ाधड़ ट्रैफिक को चलाओ। पर ये कौन बताएगा कि कितना टाइम सेट करना है? इसके भी एक्सपर्ट होते हैं जो लोकेशन और ट्रैफिक को स्टडी करके ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग को निकालते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने रेड लाइट जम की है? अब ये मत लिखना कि आप एक्सपर्ट हो।